बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो कि आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज मैं आपको तेनाली राम की एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी सुनाऊंगी, जिसका नाम है अनोखी शर्त। एक समय की बात है, महाराज कृष्णदेव राय ने सभी दरबारियों की परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने उन सबके सामने एक बड़ी ही अनोखी शर्त रखी। महाराज ने कहा कि मैं आप सभी दरबारियों से काफ़ी खुश हूँ, इसलिए मैं आप सभी को 100-100 सोने की मुद्राएं इनाम में देना चाहता हूँ, परंतु इसके लिए मेरी एक छोटी सी शर्त है। तो महाराज ने कहा कि आप सभी को ये 100-100 अशर्फियाँ एक सप्ताह के अंदर ही खर्च करना है, और इन्हें खर्च करने से पहले आप सभी को मेरी सूरत देखना बहुत ज़रूरी है। तो फिर क्या, सभी दरबारी अपना अपना इनाम लेकर अपने घर को चल दिए और उन्हें लगा कि इन 100 अशर्फियों को खर्च करना भला कौन सा मुश्किल काम है, ये काम तो चुटकियों में हो जाएगा। अब धीरे धीरे एक सप्ताह का समय बीतने लगा और आखिर अशर्फियों को खर्च करके दरबार में हाजिर होने का दिन आया। जैसे ही महाराज कृष्णदेव राय ने दरबारियों से पूछा कि क्या सभी की 100-100 सोने की मुद्राएं खर्च हो गईं, तो सभी दरबारियों ने बड़े ही उदास मन से कहा कि महाराज, आपने तो ऐसी शर्त रखी थी कि हम एक भी अशर्फी खर्च ही नहीं कर पाए। तभी अचानक तेनाली राम मुस्कुराते हुए दरबार में आए तो महाराज ने तेनाली राम से पूछा कि क्या तुमने 100 सोने की मुद्राएं खर्च कर दीं? तो तेनाली राम ने कहा, इसमें क्या मुश्किल काम था, मैंने तो सारी अशर्फियां एक ही दिन में खर्च कर डाली और बाकी के 6 दिन बढ़िया मज़े से आराम किया। यह सुनते ही सारे दरबारी आश्चर्यचकित थे कि तेनाली राम ने आखिर 100 सोने की मुद्राएं कैसे खर्च कर डाली और हम तो एक भी मुद्रा खर्च ही नहीं कर पाए। तो यही जानने के लिए इसी कहानी का सेकेंड पार्ट ज़रूर देखिए।